नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। महागठबंधन में मुकेश सहनी की एंट्री हो गई है। मुकेश सहनी को आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीटें दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, इंडिया एलायंस में मुकेश सहनी की एंट्री, उनकी पार्टी वीआईपी अब शामिल हो चुकी है। मोतिहारी, झंझारपुर और गोपालगंज, ये 3 सीटें आरजेडी ने मुकेश सहनी को दिए। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तेजस्वी यादव इस पर क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। हम लोगों के बीच मुकेश सहनी जी आए हैं और महागठबंधन में मुकेश सहनी जी का हम स्वागत करते हैं। इन्होंने काफी परिश्रम किया, काफी मेहनत की, अति पिछड़ा समाज को जोड़ने में, उनकी समस्याओं को उठाया, उनके अधिकार के लिए इन्होंने संघर्ष किया और जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने इनके दल को प्रयास करने का तोड़ने का प्रयास किया वो हम सब लोगों ने देखा है। तो आज देश में चुनाव हर जगह है, लेकिन हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो लोग कल्पना कर रहे हैं और जो लोग नारा लगा रहे हैं 400 पार का, इस बार बिहार की धरती उनको धूल चटाने का काम करेगी। और हमने कई बार कहा है कि बिहार जो है वो चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। हम सब लोग नौजवान हैं, बिहार के लिए नया सोचते हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं। हम लोगों के पास विजन है, हम लोगों के पास रोड मैप है कि किस तरीके से बिहार को हम लोग आगे ले जाने का काम करेंगे। हम सब लोग देश के हालात को भी देख रहे हैं, जहां तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है, जहां संविधान पर खतरा है। और ताजुब है, कई लोग जब हम लोग बोलते थे भाषण में कि भाजपा के लोग जो है संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, इस देश की जो डाइवर्सिटी है उसको खत्म करना चाहते हैं, भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, शांति अमन चैन को भंग करना चाहते हैं, तो कुछ लोग सवाल पूछते थे कहां से कह रहे हैं कि भाजपा के लोग संविधान खत्म कर। आज आप लोगों ने देखा होगा, हमने ट्वीट करके एक वीडियो रिलीज किया है, जब बैठक चल रही है गया में, भाजपा का इंटरनल बैठक है, चुनाव की तैयारी की बैठक चल रही है, वरिष्ठ नेता भाजपा के, वरिष्ठ मंत्री बिहार सरकार के प्रेम कुमार जी साथ बैठे हैं और उनके सामने एक भाजपा का वरिष्ठ नेता कहता है कि हमको प्रचंड बहुमत चाहिए, 400 पार कराइए और हम लोग संविधान को खत्म कर देंगे। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे देश का संविधान को बदल सके, लोकतंत्र को छीन सके और जो असली चेहरा जो बीजेपी का है वो सबके सामने वो उजागर हो चुका है। जो असली चेहरा जो है बंद है वो उजागर हो चुका है भाजपा का, यानी जो बात हम लोग कहते थे कि संविधान और लोकतंत्र पे खतरा है, आज भाजपा के लोग ही जो है भाषण कर रहे हैं, खुल करके बोल रहे हैं कि संविधान को खत्म करना है। ये बाबा साहब अंबेडकर का लिखा संविधान जो देश को जोड़ने का काम करता है, जहां सामाजिक न्याय के साथ साथ सबका सम्मान है, सबका अधिकार दिया गया है, और जब संविधान खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र खत्म होगा, तो लोकतंत्र खत्म होगा
तो वोटिंग खत्म हो जाएगी। जो आप वोट करना चाहते हैं, आप आज चुनते हैं सरकार को, इनका असली एजेंडा है कि उस हिसाब से खत्म हो जाए और एक तानाशाही पूरे देश में जो है वो लागू हो जाए। और कोई पहली बार भाजपा के नेता ने नहीं बोला, दक्षिण भारत में भी भाजपा के लोगों ने बोला, राजस्थान में भी भाजपा के नेता ने बोला, और लगातार ये बिहार में हो रहा है। जब लोग जागरूक हो गए, जब अधिकार के लिए लड़ने लगे, जब दलितों की पार्टियां बनने लगी, जब अति पिछड़ों का पार्टियां बनने लगा, पिछड़ों की पार्टियां बनने लग गई, तो बीजेपी को डर हो गया, इसलिए चाहते हैं कि संविधान को खत्म कर दिया जाए। तो आज बेहद खुशी है कि मुकेश साहनी जी ने आज महागठबंधन जो है उसमें शामिल हुए हैं, और हम सब लोग पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार, सभी हमारे महागठबंधन के सभी साथी, इनका हम लोग स्वागत करते हैं। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज शामिल हो रहे हैं ये, लेकिन इससे पहले महागठबंधन में हम लोगों ने सीटों का ऐलान कर दिया है, सीटें बता दी गई हैं, कौन सा सीट कांग्रेस के खाते में गया और कौन से सीटें जो है लेफ्ट पार्टियों के खाते में गई, और कौन कौन लोग कितने कितने सीटों पर लड़ेगा। तो आज मुकेश साहनी जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है बिहार के हित के लिए, संविधान और लोकतंत्र आरक्षण को बचाने के लिए। तो हम लोग इनका स्वागत करते हैं, और साथ ही साथ हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि इनको साथ लेकर के हम चलने का काम करें और इनको भी सम्मान दें। तो उसी तर्ज पर, जैसा आप लोगों के जानकारी में है, जैसा महागठबंधन ने ऐलान किया था इसी जगह पे कि 26 सीटें जो है राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी, तो हम राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे में से उस 26 सीटों में से हम 3 सीट जो है मुकेश साहनी जी को, हमारे पार्टी का निर्णय हुआ है, पार्टी का निर्णय हुआ कि 3 सीटें जो है वो मुकेश साहनी जी को दी जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी निर्णय है, और वो 3 सीटें, पहला गोपालगंज है, दूसरा झंझारपुर है, और तीसरा जो है मोतिहारी सीट जो है, ये फैसला हुआ है कि ये 3 सीटों पर मुकेश साहनी जी की पार्टी चुनाव लड़े। भले ही अलग पार्टी हो, लेकिन हम सब लोग मिलकर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, यानी चाहे इनके सिंबल पे जो कैंडिडेट हो हम भी वो लड़ाई है, चाहे लालटेन पे कोई लड़ रहा हो ये इनकी लड़ाई है, और ये एक मजबूत गठबंधन आगे बिहार के भविष्य को देखते हुए केवल लोकसभा ही चुनाव नहीं, बल्कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि समय तो ज्यादा नहीं रह गया है, और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि नीतीश जी का तो जब मन है कभी भी खड़ा ले, कभी भी हो सकता है। तो हमारा जो गठबंधन केवल लोकसभा के साथ साथ हमारा गठबंधन बिहार के विधानसभा के लिए भी है, और हम लोग मजबूती के साथ बिहार विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे, और समय भी जो सम्मान की बात लगातार मुकेश साहनी जी करते रहे हैं, तो जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल ने, महागठबंधन ने इनका सम्मान दिया है लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भी,
हम लोग इनको सम्मान देने का काम करेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष वार जेडी के नेता तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। मुकेश सहनी और तेजस्वी अब एक साथ एक गठबंधन में हो गए हैं। साफ तौर पर तेजस्वी ने कहा कि जो लोग भी आगे आना चाहते हैं बीजेपी उसे रोकती है, और मुकेश सहनी को महागठबंधन में तेजस्वी ने एंट्री दिलाई है। मोतिहारी, गोपालगंज और झंझारपुर सीट मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी चुनाव लड़ेगी। फिलहाल आप बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।